अब यहाँ पर मैंने 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा रखा था, तो उस 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से तो ये काफी दूर हो रही थी, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और इसको मैं 40 पीरियड का मूविंग एवरेज करता हूँ। अब मैंने इसको 40 पीरियड का मूविंग एवरेज किया है तो ये थोड़ा पास तो आया है, लेकिन रेजिस्टेंस ये यहाँ पर भी नहीं ले रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ। चार्ट में अभी आपको जो ये दो लाइन दिखाई दे रही है, ये दोनों मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये जो मूविंग एवरेज है ये इतने काम की चीज़ है, इतने ज़्यादा काम की चीज़ है कि ये हर चार्ट में आपके काम आएगी। ये कई बार आपके ट्रेड को कंफर्म करने में आपकी हेल्प करेगी, कई बारी आपके लॉस को बचाएगी, कई बारी आपको ट्रेंड बताने में आपकी हेल्प करेगी। यानी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, और इवन इसका यूज़ आप सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग में भी कर सकते हैं। बट ये मूविंग एवरेज होता क्या है, इस मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करना है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगा जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कितने वक्त पहले ट्रेडिंग शुरू किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मूविंग एवरेज होता क्या है। तो इसको मैं पहले यहाँ से चार्ट से हटा देता हूँ, और पहले इसको मैं सिंपली आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो देखो, मूविंग एवरेज में एक एवरेज वर्ड का यूज हो रहा है, इससे आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि ये एक एवरेज है। अब ये चार्ट पे प्लॉट हो रहा है और चार्ट में शेयर की प्राइस दिखाई जाती है, तो इसका मतलब है कि ये शेयर की जो प्राइस है उसका एवरेज है। अब एवरेज कितने टाइम का है, तो जितने टाइम का आपको एवरेज देखना है उतने टाइम का आप एवरेज यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप पिछले 10 दिन के शेयर की प्राइस का एवरेज देखना चाहते हैं कि शेयर की प्राइस एवरेज कितने पर रही है, तो इसके लिए आप पिछले 10 दिन में जो शेयर की प्राइस थी उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने शेयर की प्राइस का एवरेज निकल कर आ जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो शेयर की जो प्राइस है वो पहली तारीख को 190 रुपए थी, दूसरी तारीख को 188 रुपए थी, तीसरी तारीख को 186 रुपए थी, एंड ऐसे सो ऑन जो भी प्राइस थी वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है और ये पता करना है कि शेयर की जो एवरेज प्राइस है वो क्या है, तो इसके लिए पिछले 10 दिन में जो शेयर की प्राइस रही है उसको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने एक एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो शेयर की प्राइस होती है उसका जो एवरेज होता है वो आपको मूविंग एवरेज से पता चलता है। अब ये तो एवरेज क्या है वो हमें समझ आ गया, लेकिन ये मूविंग एवरेज क्यों है? तो ये मूविंग एवरेज इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अगर आप 10 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 10 तारीख को आप 1 से लेके 10 तारीख तक की जो प्राइस होगी उसको जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन 11 तारीख को आप क्या करेंगे, 11 तारीख को आप 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक की जो प्राइस होगी उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे जैसे ही 12 तारीख आएगी तो फिर हम 2 तारीख को छोड़ देंगे, 13 तारीख आएगी तो फिर हम 3 तारीख को छोड़ देंगे, और सिर्फ पिछले 10 दिन का हम एवरेज ले रहे हैं, तो क्योंकि शेयर की प्राइस मूव कर रही है तो इसलिए ये एक मूविंग एवरेज है। अब अभी जो एवरेज निकाल कर मैंने आपको दिखाया था ये सिंपल मूविंग एवरेज था, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले कोई चीज हुई थी वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 1 दिन पहले कोई चीज हुई थी वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि 1 दिन पहले जो हुआ था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात तो सही है। तो एवरेज निकालते हुए 1 दिन पहले जो हुआ था हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, देना चाहिए। तो इसलिए इसको निकालने का एक तरीका होता है जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है, शॉर्ट में इसे EMA भी बोलते हैं। तो इस केस में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम 1 या 2 तारीख के कंपैरिजन में जो 9 या 10 तारीख है उसको ज्यादा वेटेज देंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है, और सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। अब क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट डेटा है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है या ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, तो वैसे तो देखो अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज लगाओगे या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसमें पास वाले इवेंट को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना। आप चाहें तो सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसे किसी भी चार्ट में कैसे लगाना है। तो जिस भी चार्ट में आप इसे प्लॉट करना चाहते हैं आपने वहां पर इंडिकेटर का सेक्शन होगा, उस इंडिकेटर पे जाना है और यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखकर सर्च कर लेना है। अगर आप मूविंग एवरेज लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिंपल मूविंग एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आपको चाहिए कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो आपको EMA लिखकर सर्च करना होगा और यहाँ पर आपके सामने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ आ जाएगा। अब जैसे ही आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक इस तरीके की ब्लू कलर की लाइन बनकर आ गई है जो कि 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब ये कितने पीरियड का
मूविंग एवरेज है ये पता करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप इनपुट में जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी लेंथ 9 है, यानी ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है। इसका मतलब है कि ये पिछली जो 9 कैंडल्स है उनका मूविंग एवरेज है, पिछले 9 दिन का नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 9 मतलब ये पिछले 9 दिन का मूविंग एवरेज है, बट ऐसा नहीं है, ये पिछली 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये बाय डिफॉल्ट 9 पीरियड का आता है, लेकिन इसको सब अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। जैसे ज्यादातर जो फेमस है वो है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, 100 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब 100 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के काम आता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर 20 और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज और कई बार आप 5 या 7 पीरियड या अपने हिसाब से कोई भी पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई करके देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे मैं आपको इसकी एक प्रो टिप दूंगा कि आपको कितने पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। फिलहाल यहां पे मैं 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा देता हूं, और इसके साथ ही क्योंकि ये ब्लू कलर की काफी पतली सी लाइन है तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, यानी इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो अब आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन गया है। तो अब आपको ये इंडिकेटर लगाना तो आ गया है, लेकिन मेन मुद्दा है कि ये इंडिकेटर काम क्या करता है। वैसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मूविंग एवरेज है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। अब क्योंकि आपको पता है कि पिछले 10 दिन की जो प्राइस है उसका एवरेज करके ये आपको प्राइस बताता है, तो ये हमेशा प्राइस से पीछे चलता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बुरा है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंडिकेटर है, और सबसे ज्यादा इवन मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो ये इंडिकेटर दिखाता है वो ये है कि चार्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी इस इंडिकेटर के थ्रू आप चार्ट में ट्रेंड पता कर सकते हैं। आपने कोई भी रैंडम चार्ट खोल लिया, अब आपको उसका ट्रेंड समझ नहीं आ रहा है, आप पता करना चाहते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है, तो ये इंडिकेटर वहां पर आपकी हेल्प करेगा। और क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, यानी हमेशा कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ट का ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। तो यहां से आपको ट्रेंड समझ आ रहा है तो सोचिए कि ये ट्रेडिंग में आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। अब इससे ट्रेंड समझेंगे कैसे, वैसे 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अगर इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है फिर तो देखो, हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाया है, ट्रेंड्स के बारे में समझाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझाया है, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। बट फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि अप ट्रेंड का मतलब होता है शेयर की प्राइस बढ़ रही है, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है शेयर की प्राइस गिर रही है, और साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है कि शेयर की प्राइस एक ही जगह पर घूम रही है। ज्यादा डिटेल में हमारी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अब ये जो मूविंग एवरेज है ये हमें कैसे बताएगा कि चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने यहां पर एक मूविंग एवरेज लगा दिया है। अब इस मूविंग एवरेज को लगाने के बाद अगर शेयर की प्राइस इस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है, जो ये प्राइस आपको दिखाई दे रही है, ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है इसके नीचे है, तो यानी यहां पर जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, यानी प्राइस गिर रही है। तो अप ट्रेंड कैसे है वो आपको समझ आ गया है, डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा वो आपको समझ आ गया है, लेकिन हमें साइडवेज ट्रेंड कैसे पता चलेगा? तो जब भी शेयर की प्राइस बार बार इस लाइन के बीच में आ रही हो तो वहां पर हम ये मान के चल सकते हैं कि वहां पर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बार बार शेयर की प्राइस इस एवरेज के आसपास ही घूम रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको समझ आ गया कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है। तो क्योंकि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और जब आपको पता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पर आपको पता है कि आपको सिर्फ सेल करने के ट्रेड्स लेने हैं, बाय करने के ट्रेड नहीं लेने हैं या अवॉइड करना है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें मूविंग एवरेज से मिलती है वो है ट्रेंड रिवर्सल, यानी जब भी ट्रेंड चेंज होता है वो भी हमें मूविंग एवरेज से पता चल सकता है। तो मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में कब होता है, डाउन ट्रेंड में कब होता है और साइडवेज ट्रेंड में कब होता है। मैं वैसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो आपको सही से समझ आया है या फिर नहीं, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या समझ आया कि अप ट्रेंड में कब होता है, डाउन ट्रेंड में कब होता है और साइडवेज में कब होता है। अगर कमेंट कर दोगे तो आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। तो अब क्योंकि आपको पता है कि अगर शेयर की जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, और शेयर की जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे है तो शेयर डाउन ट्रेंड में है। तो अगर कभी मान लीजिए जो शेयर की प्राइस है वो पहले मूविंग एवरेज से ऊपर थी, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर थी, लेकिन इस जगह पर जो शेयर की प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है,
तो जब भी ऐसा होता है तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि अब शेयर की प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो गया है। पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था और अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है। ऐसे ही इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे थी, लेकिन इस जगह पर शेयर की प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ट्रेंड रिवर्स हो गया है और अब जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आ चुका है। तो ट्रेंड रिवर्सल हमें कैसे पता चलेगा? सिंपली अगर शेयर की जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट देती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है, और अगर शेयर की प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट देती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है। अब वैसे ट्रेंड रिवर्सल कब होता है ये भी आपको समझ आ गया है तो इसको भी कमेंट कर देना, और हाँ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो थर्ड चीज हमें मूविंग एवरेज से पता चलती है वो है एक स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वैसे आपको एक स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करना है ये पता होगा, नहीं पता है तो वो हमारी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो है उसको देख लेना, उसमें हमने इसके बारे में भी बताया है। बट मूविंग एवरेज के थ्रू भी हम एक स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि स्टॉक जो है वो मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेता है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है और एक ना एक पॉइंट ऐसा फील हो रहा है कि यहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस बार बार नीचे गिर रही है। जैसे इस जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद शेयर की प्राइस थोड़ा से नीचे हुई, फिर बार बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर मैंने 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा रखा था तो उस 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से तो ये काफी दूर हो रही थी, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूं और इसको मैं 40 पीरियड का मूविंग एवरेज करता हूं। अब मैंने इसको 40 पीरियड का मूविंग एवरेज किया है तो ये थोड़ा पास तो आया है लेकिन रेजिस्टेंस ये यहाँ पर भी नहीं ले रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूं और देखता हूं कि ये कहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है। आप भी इसे खुद ट्राई करके देखिएगा। वैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप 20 पीरियड यूज करो, 50 पीरियड यूज करो, लेकिन ये थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल आपको खुद करके देखना होगा। तो जैसे यहां पर हम प्रैक्टिकली हमने इसको चेंज करके 30 पीरियड का मूविंग एवरेज किया तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक की प्राइस है वो बार बार हमारा जो 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके पास पहुंचने के बाद बार बार गिर जा रही है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर प्राइस गई उसके बाद गिर गई, फिर से यहां पर उसने पहुंचने की कोशिश की फिर से गिर गई, फिर तीसरी बार यहां पर उसने ट्राई किया फिर से गिर गई, चौथी बार ट्राई किया फिर से नीचे गिर गई। यानी इस जगह पर शेयर की जो प्राइस है वो बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। तो आपने तीन बार देख लिया कि शेयर की प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया, तो आपको पता है कि इसके बाद दोबारा जब प्राइस यहां पे जाएगी तो उसके बाद रेजिस्टेंस ले सकती है। अब इसके बेसिस पर ट्रेड मत ले लेना, लेकिन इससे आपको एक अच्छा आइडिया तो हो जाएगा कि बार-बार प्राइस यहां से गिर रही है, और इससे आपको चार्ट्स के बारे में ना सीखने को मिलेगा। थोड़ा अपने आप कोशिश करो, देखो चार्ट्स में अलग-अलग इंडिकेटर्स लगा के देखो, स्पेशली मूविंग एवरेज को लगाकर देखो, सीखने की कोशिश करो कि चार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, कहां-कहां पे जाकर प्राइस बार-बार गिर जा रही है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से प्राइस बढ़ जा रही है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर भी शेयर की जो प्राइस है उसने यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया है। अब इसके बाद यहां पर आप देखिए कि यहां तक शेयर की प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद शेयर की प्राइस साइडवेज हुई, और एक बार जैसे ही शेयर की प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी। अब ऐसा नहीं है कि अभी एक स्टॉक या एक चार्ट 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो हर बार 30 पे ही लेगा। हो सकता है यहां पे 30 पे ले रहा हो लेकिन आगे चल के वो 35 पे रेजिस्टेंस लेने लग जाए, 40 पे रेजिस्टेंस लेने लग जाए, तो ये आपने खुद से ट्राई करके देखना होगा। अब ऐसे ही सपोर्ट का एग्जांपल देखें तो सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस बार बार बढ़ जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस थी, उसके बाद बढ़ी, इसके बाद फिर इस पॉइंट पर आई, यहां से फिर बढ़ गई, इसके बाद तिबारा इस पॉइंट पे आई और इसके बाद फिर से बढ़ गई। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट में शेयर की प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया है। तो इस तरीके से आप एक चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही शेयर की प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया उसके बाद कितनी ज्यादा शेयर की प्राइस गिरी। तो यहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन शेयर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी मिल सकती है। तो यहां पर आपको एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया है, और इसके साथ ही मैंने आपको यह भी कहा था कि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने पीरियड का मूविंग एवरेज लेना है। तो देखिए, वैसे अगर आप सिर्फ एक मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, वैसे चार्ट में एक मूविंग एवरेज नहीं, जनरली दो मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है, वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हो तो उसको ना चार्ट में अप्लाई करके देखो कि कौन सा ऐसा मूविंग एवरेज है जिसके पास आने के बाद शेयर की प्राइस बार बार गिर जा रही है या फिर बढ़ जा रही है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मूविंग एवरेज यहां पर अप्लाई हो रहा है। अब फाइनली इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मूविंग एवरेज से पता चलती है, उस इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए हमें चार्ट पर दो मूविंग एवरेज लगाने होंगे। अभी हमने एक ही मूविंग एवरेज लगा रखा है, इसको हमें दो करना होगा। तो पहले मैं दोनों ही मूविंग एवरेज हटा देता हूं और उसके बाद आपके सामने मूविंग एवरेज लगाऊंगा। तो मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको इंडिकेटर पे जाना है, और अगर एक्सपोनेंशियल लगाना है तो ईएमए लिख लो, और अगर सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है तो
एमए लिख लोगे तो भी आ जाएगा। तो मुझे ईएमए लगाना है, इसलिए मैंने ईएमए लिखकर सर्च किया है और यहाँ पर मेरे सामने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ आ गया है और इसको मैं दो बार क्लिक करूंगा तो दो बार ये मेरे चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दो बार ये मेरे चार्ट पे अप्लाई हो चुका है। अब आपके सामने दो मूविंग एवरेज तो आ चुके हैं, लेकिन ये दोनों मूविंग एवरेज हमें सेम पीरियड के नहीं लेने हैं। एक शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज लेना है, जिसमें हम मान लेते हैं कि हम 20 पीरियड का मूविंग एवरेज ले लेते हैं। तो ये मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज ले लिया है और इसका जो कलर है उसको मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया है और इसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। और इसके बाद एक हमें लार्ज पीरियड का मूविंग एवरेज लेना है, तो उसको मैं 50 पीरियड का मूविंग एवरेज कर लेता हूँ। ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 20-50 कर लो। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप वहां पे 50 और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी लेकर चल सकते हैं। तो मेरा जो सेकंड मूविंग एवरेज है इसको चेंज करके मैं यहाँ पर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज कर देता हूँ। तो इसको मैंने 50 कर दिया है और इसके साथ ही इसका जो कलर है इसको मैं चेंज करके रेड कलर का कर देता हूँ। ये हमने रेड कर दिया है और इसकी थिकनेस को बढ़ाकर भी मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजिली दिखाई दे। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे सामने दो मूविंग एवरेज है। जो रेड कलर का मूविंग एवरेज है वो हमारा 50 पीरियड का यानी लॉन्गर पीरियड का मूविंग एवरेज है, और जो हमारा ग्रीन कलर का मूविंग एवरेज है वो हमारा शॉर्ट पीरियड का यानी 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो देखो यहाँ पर ना दो तरह के क्रॉस ओवर होते हैं, जिसमें जो एक मूविंग एवरेज है वो दूसरे मूविंग एवरेज को ऊपर या नीचे की तरफ काटता है। तो सबसे पहले गोल्डन क्रॉसओवर की बात करते हैं। तो गोल्डन क्रॉसओवर में जो हमारा शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज है यानी जो ग्रीन कलर का मूविंग एवरेज है वो हमारे लार्ज पीरियड के मूविंग एवरेज को यानी जो हमारा रेड कलर का मूविंग एवरेज है उसे ऊपर की तरफ काटता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, क्योंकि जो हमारा लार्ज पीरियड का मूविंग एवरेज है उसको हमारे शॉर्ट पीरियड के मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ काटा है। तो जब भी गोल्डन क्रॉस होता है जिसमें जो हमारा लार्ज पीरियड का मूविंग एवरेज है उसको हमारा शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ काटता है, तो यह माना जाता है कि यहां पर जो स्टॉक है उसमें ट्रेंड चेंज हो गया है और यहां से स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। तो जनरली लोग यहां पर बाय करने के लिए सजेस्ट करते हैं, बट मैं आपको कहूंगा कि आपने सिर्फ एक इंडिकेटर को देखकर बाय नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे। बट आप जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स का यूज कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज कर लेंगे तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी और आप कंफर्म हो सकते हैं कि यहां से जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। तो एक हमें दिखाई दे रहा है कि ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। अब ऐसे ही जो हमारा सेकंड क्रॉसओवर है ना, इसको डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। इसमें जो हमारा शॉर्ट पीरियड का मूविंग एवरेज है, जो कि इस केस में ग्रीन कलर का मूविंग एवरेज है, आपके केस में हो सकता है आपने दूसरा कलर लगाया हो, तो हमारे केस में वो ग्रीन कलर का है, वो हमारे लॉन्ग पीरियड का मूविंग एवरेज जो कि इस केस में रेड कलर का मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ काटता है। तो जब भी ये नीचे की तरफ काटता है तो माना जाता है कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है, और क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है तो इसलिए इसको डेथ क्रॉसओवर कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डेथ क्रॉसओवर हुआ था और उसके बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर रही है। ऐसे ही एक यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी डेथ क्रॉसओवर हुआ था और उसके बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरती चली गई। तो जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है वो एक बाय सिग्नल देता है, और जब भी डेथ क्रॉसओवर होता है वो एक सेल सिग्नल देता है। लेकिन ध्यान रखिए कि सिर्फ इसके बेसिस पर आपने ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रेडिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा, लेकिन अगर सिर्फ इसके बेसिस पर ट्रेड लोगे तो बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे और बार बार लॉस होने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। तो ये है मूविंग एवरेज इंडिकेटर, जिसमें हमने चार चीजें सीखी हैं। सबसे पहले हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखा है, उसके बाद हमने ट्रेंड रिवर्सल सीखा है, तीसरा हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है, और चौथा हमने सीखा है कि इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है, लेकिन आपको लेना नहीं है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। अगर आप चाहते हैं कि इतनी ही डिटेल्ड वीडियो हम RSI या किसी और इंडिकेटर के ऊपर लेकर आए, तो किसके ऊपर आप ये जानना चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, ये हमें मूविंग एवरेज का यूज करके कैसे पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।